हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज है आपका लेक्चर फिफ्थ। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज माउस। लेक्चर फोर्थ मैंने पढ़ा था कि कीबोर्ड क्या होता है। इसमें हम देखेंगे माउस क्या होता है। माउस स्टैंड्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कैसे? क्लिक करके। कीबोर्ड में क्या करते थे हम? बटन्स प्रेस करके, कीज प्रेस करके इनपुट देते थे। माउस में हम क्लिक करके इनपुट देते हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंगलबर्ट इन 1963। इसको 1963 में इन्वेंट करा गया था। इट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस विच कैन कंफर्टेबली फिट इन यूजर्स पाम। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि आपकी पाम में, आपकी हथेली में बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाता है। मूवेबल डिवाइस होता है एंड इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। लेफ्ट बटन से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट बटन से राइट क्लिक करते हैं। It inputs the data by pointing them on the computer screen. Computer के screen पर हम इससे point करके data input करते हैं। मतलब point करके या select करके या click करके हम data को input करते हैं। और it contains the ball underneath. इसके नीचे एक ball होती है। This ball is moved on a plane surface to handle the cursor movement on the screen. ये हम माउस को अपने माउस के नीचे ball होती है। Plane surface पे माउस को हम मूव करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा कर्सर का जो मूवमेंट होता है, कर्सर क्या होता है, हमारे स्क्रीन पे जो छोटा सा एरो बना होता है जिसको हम मूव करते हैं, जैसे माउस को मूव करेंगे तो कर्सर मूव करेगा। तो कर्सर हमारा छोटा सा माउस पे जो एरो होता है उसको बोलते हैं। तो इसको हम माउस को जब हम मूव करते हैं तो कर्सर मूव करता है। तो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम माउस को मूव करते हैं प्लेन सरफेस पे। इसके नीचे एक बॉल होती है, ठीक है, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आजकल के माउस को हम क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल माउस होते हैं। पार्ट्स ऑफ माउस, अब माउस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था बटन्स, दो तरह के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। हमें राइट क्लिक करना होता है तो हम राइट वाले बटन से क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करना होता है तो लेफ्ट वाले बटन से क्लिक करते हैं। और एवरी कंप्यूटर माउस हैज टू बटन, लेफ्ट बटन राइट बटन। ओके, बॉल, बॉल मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप माउस यूजेस बॉल एंड रूलर। इट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ अ माउस ऑन एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मूव्स द कर्सर। एक माउस के नीचे बॉल होती है जिसको हम मूव करते हैं प्लेन सरफेस पे, और उस माउस को, उस बॉल को मूव करने से हमारा जो कर्सर है स्क्रीन पर उसका मूवमेंट होता है, उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं। और इस उसी के हेल्प से हम क्लिक भी कर सकते हैं माउस को, कर्सर को मूव करके पॉइंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माउस व्हील। माउस व्हील क्या होता है? माउस व्हील होता है आपके माउस के ऊपर दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन राइट बटन, उनके बीच में जो एक छोटा सा व्हील होता है उसको माउस व्हील कहते हैं। वो इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द माउस, वो माउस के टॉप पे होता है। विद द हेल्प ऑफ माउस व्हील वी कैन स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। जो हमारा स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे जो भी पेज खुला होगा, कुछ भी खुला होगा, उसको हम उस व्हील की हेल्प से स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर या नीचे। मैंने आपको बताया है अपने एक शॉर्ट में कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं। उसमें आपने साइड में देखा होगा स्क्रॉल बार होता है, उस स्क्रॉल बार को भी हम माउस की हेल्प से ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई भी पेज हमारा खुला होगा, चाहे हमारा इंटरनेट क्यों ना खुला हो, इंटरनेट का वेब पेज खुला है या कोई भी हमारी फाइल खुली है, कोई भी डॉक्यूमेंट खुला है, उसके पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए माउस व्हील की हेल्प ले सकते हैं। सर्किट बोर्ड, टू ट्रांसफर ऑल माउस सिग्नल्स ऑल इन्फॉर्मेशन देयर इज अ सर्किट बोर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट इन साइड द माउस। माउस के अंदर जितने भी सिग्नल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो एक सर्किट बोर्ड माउस के अंदर लगा होता है, उसकी हेल्प से वो सारे सिग्नल, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ माउस। माउस के क्या क्या यूजेस हैं, माउस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, टू मूव द कर्सर विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन मूव द कर्सर, वी कैन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इट हेल्प्स टू पॉइंट समथिंग आउट, मैंने बताया था अभी आपको, इसकी हेल्प से हम पॉइंट कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं, जो चीज हमें सेलेक्ट करनी है हम कर्सर मूव करके उस की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू ओपन अ फाइल बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। आपके स्क्रीन पे जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे, उनमें से अगर आपको कुछ ओपन करना है तो आप माउस से डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके वो ओपन हो जाएगा। मैं अपने शॉर्ट्स में आपको एक बार दिखा दूंगी कैसे करना है, प्रैक्टिकल दिखा दूंगी कैसे करा जाता है, बाकी ये आपकी थ्योरी है।
और अ माउस ऑल्सो लेट्स यू सेलेक्ट टेक्स्ट और फाइल. मैंने अभी बताया था माउस की हेल्प से हम कोई भी चीज, कोई भी आइकन, कोई भी स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. माउस की हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फाइल हाईलाइट या सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक अपने शॉर्ट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के शॉर्ट में बताया था कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं. हाईलाइट हम किसकी हेल्प से करते हैं? माउस की हेल्प से. माउस की हेल्प से कैसे करते हैं? माउस से उसको क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं. तो माउस हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है. माउस के बिना हमारा काम काफी टफ हो जाता है, क्योंकि हम कीबोर्ड से सारा काम नहीं कर सकते. ज्यादातर चीजें हमें माउस से ही करनी होती है. विदाउट माउस हमारा कंप्यूटर बहुत मुश्किल से चलता है, नहीं तो हम नहीं चला पाते. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रैग एन आइकन बाय क्लिकिंग ऑन इट. आप आइकन को ड्रैग कर सकते हैं इसकी हेल्प से. वी कैन स्क्रॉल द पेज. अब मैंने बताया था माउस व्हील आपके माउस पे होता है, माउस के टॉप पे होता है, जिसकी हेल्प से हम पेज ऊपर या नीचे कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ माउस. किस कितने कितने तरह के माउस होते हैं? माउस आजकल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. एक होता है वायर्ड माउस. वायर्ड मतलब जिसमें तार लगी होती है, जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, उसके तार को आप कंप्यूटर के सीपीयू में आप कनेक्ट कर दीजिए, वो होता है वायर्ड माउस. आजकल वायरलेस माउस भी चल रहे हैं. ब्लूटूथ माउस चलते हैं आजकल, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं. ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस, मैकेनिकल माउस, एक ट्रैक बॉल माउस भी होता है. ये देखिए लेबल डायग्राम है माउस का, मैंने भी पार्ट्स आपको बताए थे. ये हमारा है लेफ्ट बटन, उधर है हमारा राइट बटन. ये इसमें वायर होता है, ये इसकी पूरी बॉडी होती है, और सबसे ऊपर होता है स्क्रॉल व्हील. और जो बॉल मैंने आपको बताई थी वो माउस के नीचे होती है. इसी उसी के माउस को रख के, उस पर हाथ रख के हम प्लेन सरफेस पे माउस को मूव करते हैं. बॉल मूव होती है, और उसी की हेल्प से जब हमारा माउस मूव होता है तो हमारा कर्सर स्क्रीन पे मूव होता है. उसी की हेल्प से फिर हम क्लिक भी करते हैं. थैंक यू.